Hello everyone, welcome back to my channel. So we have successfully connected our MongoDB by using the Mongoose. और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से मॉडल क्रिएट करेंगे एंड इनसाइड दैट मॉडल वी विल ट्राई टू इंसर्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट राइट. सो अगेन कम टू आवर MongoDB फोल्डर और इसी MongoDB फोल्डर के अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे मॉडल राइट. तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया MongoDB को और यहाँ से एक फोल्डर पहले हम लोग बना लेते हैं और फोल्डर का नाम रख लेते हैं मॉडल्स राइट. एंड इनसाइड दैट मॉडल्स फोल्डर वी विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू मॉडल. नाउ क्लिक ऑन दिस मॉडल एंड क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम रख लेते हैं आइटम. तो यहाँ पे मैंने रख लिया आइटम डॉट जे एस राइट. And inside this file, we have to import the Mongoose. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लो, Mongoose को import कर लो और इसके साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगा एक schema class का. तो यहाँ पे हम लोग use कर लेते हैं schema का and with the help of this schema, we will create the structure of our model, right? तो किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं पहले schema, मतलब structure. और किस चीज का structure बनाना है, तो आप बना रहे हो आइटम का. तो यहाँ पे हम लोग नेम भी दे लेते हैं इसका आइटम स्कीमा एंड देन क्रिएट अ न्यू स्कीमा. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं न्यू एंड देन स्कीमा एंड इनसाइड दिस स्कीमा वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट राइट. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ राइट और इसके अंदर में हम लोग पास कर लेते हैं ऑब्जेक्ट राइट. और यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले क्या लेना है, तो आइटम का नेम लेना है. तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज आइटम नेम. और आइटम नेम कैसा लेना है, तो स्ट्रिंग होगा ऑब्वियसली. तो आइटम नेम एंड देन द प्राइस. और प्राइस कैसा होगा, तो ये नंबर होगा राइट. तो अपने स्ट्रक्चर के अंदर में केवल यही दो आइटम हम लोग रखना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों को केवल सीखना है कि किस तरह से हम लोग मॉडल बनाएंगे एंड हाउ वी विल इंसर्ट द न्यू डॉक्यूमेंट इनसाइड दैट मॉडल राइट. तो मॉडल का स्ट्रक्चर तो मेरा बन गया और जब मॉडल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया तब आपको बनाना है एक न्यू मॉडल. तो यहाँ पे आप कर लो कॉन्स्ट एंड देन द नेम ऑफ द मॉडल. तो यहाँ पे हम लोग मॉडल का नेम रख लेते हैं आइटम एंड देन वी हैव टू यूज द मॉन्गूस एंड मॉन्गूस डॉट मॉडल. और यहाँ पे आपको नेम देना है मॉडल का, किस नाम से आप अपना मॉडल बनाना चाहते हो राइट. और ये जो नेम देंगे हम लोग वो एक कलेक्शन क्रिएट करके देगा हमारे डेटाबेस के अंदर राइट. तो इसका नेम भी हम लोग रख लेते हैं आइटम. और इस मॉडल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले से डिफाइन करके रखे हैं आइटम स्कीमा. अब वही नेम यहाँ पे हम लोग को देना है तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसका एक कॉपी क्रिएट करेगा आइटम नाम के मॉडल का राइट. अब यहाँ पे आपको एक चीज और चेक करना पड़ेगा क्योंकि जब कभी भी आप इस मॉडल के अंदर में कोई न्यू डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करोगे तो इस मॉडल वाले जो स्कीमा है ना उसको वो कॉल करेगा और हर बार वो ट्राई करेगा एक न्यू मॉडल क्रिएट करने का राइट. लेकिन अगर आपका मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है MongoDB के अंदर में तो फिर ये थ्रो करेगा एरर. तो हम क्या चाहते हैं कि पहले वो चेक करे कि अगर मेरा मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उस मॉडल का नेम रिटर्न कर दे, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ न्यू मॉडल. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग मॉन्गूस डॉट मॉडल्स एंड देन मॉडल नेम. तो मैंने बनाया मॉडल नेम आइटम राइट एंड पुट द डबल वर्टिकल बार, दैट इज द ऑर ऑपरेटर. सो आइदर यू हैव टू रिटर्न द मॉडल एग्जिस्टिंग मॉडल, अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट अ न्यू मॉडल. ऑल राइट एंड नाउ एक्सपोर्ट इट. तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट एंड देन डिफॉल्ट एंड द नेम ऑफ द मॉडल इज आइटम. ऑल राइट, तो हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है. अब इस मॉडल के अंदर में हम लोगों को न्यू डेटा को इंसर्ट करना है राइट. तो आ जाते हैं हम लोग राउट के ऊपर में और यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे और वो जो रिक्वेस्ट होगा वो होगा पोस्ट राइट. तो यहाँ पे हमने बनाया एक्सपोर्ट एंड अगेन इट इज एसिंक फंक्शन. सो एसिंक एंड देन क्रिएट अ पोस्ट
एंड इनसाइड दैट वी हैव टू राइट द रिक्वेस्ट, राइट। अब यहां तक तो हमारा काम बन गया। अब पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करता है ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वेस्ट के थ्रू उस डेटा को रिसीव कर लेंगे जो डेटा मुझे इंसर्ट करना है, राइट। सो राइट डाउन हियर द कॉन्स्टेंट एंड आइटम डेटा। आइटम डेटा कहां से लाएंगे? सो हियर इज अवेट एंड देन रिक्वेस्ट डॉट जेसन। ऑल राइट, सो वी हैव रिसीव्ड द आइटम डेटा। अब इस आइटम डेटा के अंदर में आपको कौन सा वैल्यू आया है उसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप कॉन्सोल डॉट लॉग करके और आइटम डेटा को प्रिंट कर लो, राइट। और आइटम डेटा में अगर मेरा सही सही इंफॉर्मेशन आ रहा है तब हम लोग आगे का स्टेप करेंगे। और इसके पहले मुझे रिटर्न करना पड़ेगा यहाँ पे, तो रिटर्न कर लेते हैं हम लोग क्या चीज, तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड इसके अंदर में ऑब्जेक्ट। तो पहले मैसेज ही हम लोग करते हैं, सो हियर इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट। ऑल राइट, नाउ जंप टू आवर थंडर क्लाइंट। सो हियर इज आवर थंडर क्लाइंट और थंडर क्लाइंट के अंदर में हमारे पास यहाँ पे है यूट्यूब टेस्टिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर में पोस्ट है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड, राइट। सो वी हैव गॉट द मैसेज पोस्ट रिक्वेस्ट और सर्वर के प्रॉम्प्ट पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिला नेम इज इक्वल ब्रांच सी एस सी, राइट। लेकिन आप देखो हम लोग जो बनाए हैं मॉडल उस मॉडल के अंदर में क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने मॉडल के अंदर में और मॉडल है यहाँ पे, राइट। तो आइटम मॉडल है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में फील्ड है दो, आइटम नेम एंड प्राइस, राइट। और मैं क्या चाहता हूं कि आइटम नेम और प्राइस को इंसर्ट करें। तो जब हम लोग अपने टेस्टिंग के ऊपर में जाएंगे तो यहां पे भी मुझे जो फील्ड पास करना होगा वो होगा आइटम नेम, राइट। सो हियर इज आवर आइटम नेम और आइटम नेम आप कुछ भी डाल दो। तो यहां पे मैं डाल देता हूं आइटम वन एंड द नेक्स्ट फील्ड इज प्राइस। सो हियर इज आवर प्राइस और प्राइस आपका नंबर था तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहां पे। तो मैंने डाल दिया यहां पे प्राइस एंड नाउ प्रेस ऑन सेंड बटन, राइट। सो वी हैव गॉट द पोस्ट मैसेज एंड अगेन कम टू आवर सर्वर एंड वी हैव गॉट द आइटम नेम एंड प्राइस। ऑल राइट, सो लेट मी शो यू क्लियरली। यू सी हियर इज द आइटम नेम एंड हियर इज द प्राइस। ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं एक्चुअली इंसर्शन के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आइटम डेटा के अंदर में सारे इंफॉर्मेशन है और मैं क्या चाहता हूं कि उसको आइटम के अंदर में इंसर्ट कर दो। तो पहला काम आपका क्या रहेगा यहाँ पे कि उस मॉडल को यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लो, राइट। सो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया किसको, आइटम को। कहाँ से इंपोर्ट करना है तो देख लो मोंगोडीबी के अंदर में हमने बनाया था मॉडल्स और उसके अंदर में है आइटम। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ चुका है। अब इस मॉडल के अंदर में हमें डेटा को इंसर्ट करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, राइट। सो फर्स्ट इट विल एस्टैब्लिश द कनेक्शन एंड वंस द कनेक्शन इज कंप्लीटेड देन यू कैन इंसर्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट इनसाइड दैट कलेक्शन, राइट। तो यहां पे हमारे पास कलेक्शन का नाम है आइटम, तो यहां पे लिख लो अवेट and then item dot create, right? और जैसे ही आप create करोगे उसके अंदर में आपको जो भी document insert करना है वो document यहाँ पे आप pass कर दो और मेरे पास जो document है वो है item data के अंदर, right? और data का D capital है, right? So case sensitive है, आप इसको ध्यान से रखना। So item dot create and then item data, that's all। अब ये हमारा काम कर देना चाहिए, आप इसको सेव करो और फिर से आ जाते हैं हम लोग अपने थंडर क्लाइंट के ऊपर और यहां से अभी गेट नहीं करके हम लोग करेंगे पोस्ट, राइट। और पोस्ट क्या करेंगे, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, आइटम नेम इज आइटम वन एंड द प्राइस इज 23,490, ओके एंड देन प्रेस ऑन सेंड बटन। सो होपफुली वी विल गेट द इंफॉर्मेशन बिकॉज वी हैव गॉट द सक्सेस मैसेज, राइट। और यहाँ पे आप आ जाओ सर्वर के ऊपर, यहाँ पे भी आपको मिल गया डीबी कनेक्टेड
एंड द आइटम इज लाइक दिस। अब बच गया हम लोगों को MongoDB के अंदर में जाकर के चेक करना। तो यहाँ पे हमारे पास MongoDB है और अभी देखो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रोडक्ट, राइट। अब देखो प्रोडक्ट के अंदर में चूंकि ऑलरेडी एक कलेक्शन आ चुका है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आइटम्स। अब इस जगह पे देखो मैंने बनाया था जो मॉडल का नेम वो था आइटम, राइट। तो वहां पे जो नेम हम लोग देते हैं वो सिंगुलर होता है और MongoDB ये खुद केयर करता है कि जो भी आप नेम दोगे उसको वो प्लूरल में कन्वर्ट करेगा। प्लूरल का मीन्स आप एग्जैक्ट प्लूरल मत समझना कि ES लगा देगा, YES लगाएगा, लाइक दैट। ओनली वो क्या करता है कि नेम के बाद में S को ऐड कर देता है, राइट। तो जो भी नाम दोगे उसके बाद में S लग गया, वो समझ गया कि वो प्लूरल हो गया। अब इस आइटम के अंदर में क्लिक करोगे तो इसके अंदर में आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट मिलेगा। वेरी गुड, सो वी हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड वन डॉक्यूमेंट, राइट। अगर इसके अंदर में अगर आप चाहते हो कि और भी हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करें तो आप यहाँ पे आ जाओ राउट के अंदर में और यहाँ से हमारे पास जो थंडर क्लाइंट है इसके अंदर में आएंगे और आप यहाँ पे आइटम को चेंज कर लो, राइट। आइटम 2 एंड देन आई एम राइटिंग हियर 89,000, राइट। सो अगेन वी हैव गॉट द सक्सेसफुल मैसेज दैट पोस्ट रिक्वेस्ट एंड स्टेटस इज 200। And now come to our MongoDB and let's see that the next item has been inserted or not. तो यहाँ पे next item को check करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओ और refresh button को click करो। So we have got the second item. All right. So insertion is very very easy inside the MongoDB. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.